नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। जोलान के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी के कार्यक्रम में वीआईपी ड्यूटी पर जा रहे दो पुलिसकर्मियों को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। झांसी के गरौठा इलाके में पूर्व प्रधान के घर आपूर्ति विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है, जहां करीब 450 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जलान के चौधरी शंकर सिंह इंटर कॉलेज में टीचर ने सातवीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की है। गंभीर रूप से घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। झांसी विकास प्राधिकरण की टीम ने बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध तरीके से बनाई जा रही चार कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। फिरोजाबाद के टूंडला इलाके में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां तेज ध्वनि और साउंड और लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे आसपास के स्कूलों और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झांसी में समाधान कैंप में दबंगों ने विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों के साथ आभद्रता करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली है। इसके बाद बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटते हुए कर्मचारियों को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की मेडिकल कॉलेज में धच्ची उड़ाई जा रही है, जहां बीमारियों को दावत दी जा रही है। इसके चलते सरकार द्वारा चलाए जा रहे संचारी रोगों के खिलाफ अभियान फेल होता नजर आ रहा है। हरदोई के विकास भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में सीएम योगी द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि से संबंधित आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जहां अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी और मौजूदा खाद विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद में चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने और बारिश कराने के लिए बच्चों ने अनोखे ढंग से नाच गाना किया। मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और बारिश कराते हैं। जोलान के कोंच बस स्टेशन के पास युवती ने आशिक मिजाज शख्स पर बीच बाजार चप्पलों की बारिश कर दी और शख्स का मोबाइल फोन तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में दबंग प्रधान ने दलितों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। वहीं महिलाओं के विरोध करने पर प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। इस दौरान पुलिस मूक दर्शन बनी देखती रही, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गोंडा के जिला अस्पताल परिसर में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का डीएम ने उद्घाटन किया, जहां 18 से 59 साल की उम्र वाले लोगों को फ्री में कोरोना बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने निर्माण भवन स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव पहल का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज से 75 दिनों तक वैक्सीन की एहतियात डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी ने सिविल अस्पताल में कोविड 19 के लिए बूस्टर डोज अभियान शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 6 महीने पहले कोविड की दूसरी डोज ली है, वो बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। बुलंदशहर के खुर्सा कोतवाली इलाके में मस्जिद परिसर के अंदर नमाज अदा करने गए बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुनकर वहां मौजूद अन्य लोग वहां से भाग गए। वहीं परिवार ने सरफराज नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वो एक अद्भुत और सुंदर महिला थी, जिन्होंने एक महान और प्रेरणादायक जीवन व्यतीत किया है। लखनऊ में सीएम योगी ने कम बारिश की वजह से कृषि उपज पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 100 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 बराबर कर ली है। टीम इंडिया को जीत के लिए 247 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन भारतीय टीम इसे पाने में फेल साबित हुई है। भारतीय टीम यहां सिर्फ 186 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन भूत का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। फोन भूत के इस मोशन पोस्टर ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है। इस फिल्म में कैटरीना तांत्रिक के रोल में है। ये फिल्म भूत प्रेत के साथ कॉमेडी के डबल डोज से दर्शकों का मनोरंजन करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज की ब्याज दरों में महीने भर में 2 बार बढ़ोतरी करके ग्राहकों की जेब का बोझ बढ़ा दिया है। MCLR में इजाफा होने से सभी तरह के लोन की EMI बढ़ गई है। बैंक ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बढ़ोतरी की जानकारी साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज।